आलस नहीं करना, जो कुछ है सबको मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ कम नहीं है ना, कम नहीं होगा, कम होगा तो और मंगा देंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं, ऐसा बहुत आया हुआ है, तुम अब सकते बैठे हो, चलो यहाँ बैठो, ठीक है। और देखो आज 26 जनवरी है, सबको पता है कि डेट भी भूल गया, 24 है, किसको पता है 26 जनवरी है, सभी को पता है। अच्छा तो ये बताओ 26 जनवरी तो है, लेकिन दिन तो बहुत आते हैं, 365 के दिन आते हैं, लेकिन 26 जनवरी ऐसा क्या है जो कि तुम लोग आए हो यहाँ पर बैठे हो देख रहे हो झंडा उत्तोलन हो रहा है, दूसरा दिन भी कर सकते थे, कर सकते थे, झंडा उत्तोलन तो कर सकते थे, लेकिन अलग अलग पर्पज से, ठीक है। जैसे आज जो है, आज झंडा उत्तोलन करने का क्या पर्पज हो सकती है सबको पता है, आज हम लोग झंडा उत्तोलन कर रहे हैं, उसका वजह क्या होता है ना कि जब हमारा देश पहले गुलाम था ना, सबको पता है किसका गुलाम था, सबको पता है, आपको पता है बाबू, जो पहले हमारा देश क्या था, गुलाम था, तो गुलाम था उसके बाद फिर आजाद हुआ, तो देश गुलाम कैसे होता है, आदमी गुलाम होता है तो क्या क्या करता है, अपना जो मालिक होता है उसका हर काम करता है ना जी, तो जो गुलाम होता है मन से चलता है क्या, अपना मन से नहीं चलता है, वो जब भी चलता है तो वो अपने मालिक के ही मन पे चलता है, चलता है ना, उसी प्रकार हमारा देश जो चला था ना अपने मन से नहीं चल रहा था, किसके किसका मन से चल रहा था, अंग्रेज के मन से, अंग्रेज जो चाहते थे वो करते थे, है ना। तो जब हमारा देश ही गुलाम हो जाता है तो उसमें रहने वाले आदमी जितने हैं सब गुलाम है कि नहीं, तो हम लोग क्या थे, बाहर के लोग, अंग्रेज तो बाहर के थे, देश का तो नहीं था ना, तो वो कहा गया था ब्रिटिश के थे, कहा के थे, है ना, ब्रिटेन एक जगह का नाम है, ठीक है, देश का नाम है, तो वहाँ के जो राजा लोग रहते थे ना, तो वहीं के राजा यहाँ पे क्या करते थे, कानून बनाते, यहाँ के लिए कानून बनाते थे, उसी से वो क्या करते थे, राज करते थे, क्या करते थे, और हम लोग उन्हीं के बात को फॉलो करते थे, समझे, जो चाहते थे वो हमसे करवा लेते थे, समझ रहे सभी लोग, तो इस तरह से क्या थे, हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते थे, तो हमारी स्थिति क्या हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी, ठीक है। हम लोग तो अभी चलो अभी बैठे हुआ, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 8 साल है यहाँ पे, किसी का 16 साल है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है आप लोग, लेकिन आपके जो मम्मी पापा दादा दादी के समय में, बहुत पहले के टाइम में जो आपके थे ना, जो हमारे जैसे जिंदगी नहीं जीते थे, हमारे जैसे जिंदगी थी क्या, नहीं थे, है ना, उस समय खाने के लिए भी सोचना होता था, खाना भी नहीं मिलता था सही पे, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, उसकी इलाज नहीं होती थी, होती थी क्या, नहीं होती थी ना, अब बताओ उस समय की स्थिति कितनी भयानक थी, खराब थी कि नहीं, आपको आज बुखार लग जाए, हम आपका इलाज ना करवाए और ऊपर से कहे चलो काम करके लाओ, कर पाओगे, अगर माथा दर्द देता है तो क्या करते हो, जाके डॉक्टर से दवा लेते हो और दिन भर सोते हो, करते हो, ऐसा उस टाइम नहीं होता था, उस टाइम क्या होता था, आप बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको काम करना था, शाम हुई, ब्रिटिश सरकार के जो टैक्स होते थे वो टैक्स भरने पड़ते थे, ब्रिटिश सरकार के जो भी जो फरमान होते थे उसको पूरा करने होते थे, आप लोग को तो नहीं, मतलब आपके पूर्वज वाले को परेशानी होती थी, ठीक है, होती थी ना, उसके बाद क्या हुई, तो ये सब गलत हो रही थी या सही हो रही थी, गलत हो रही थी, हाँ गलत हो रही थी, उसके बाद और भी बहुत भयानक भयानक स्थिति थी, हम लोग के पास सड़क नहीं थी, अभी सड़क है तो कैसे कार से बैठते हैं, बस से चल के और जहाँ तहाँ चल जाते हैं, ट्रेन होती है, ट्रेन से इधर उधर जाती है, जाते हैं, जाते हैं कि नहीं, उस समय ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, नहीं थी ना, चलो क्या नाम है उसका, बाबू ध्यान दो इधर, जल्दी
5 मिनट में होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब क्या होगी, लड़ाई होगी कि नहीं इसी में? अच्छा आप दो दो भाई हैं, घर में रहते हैं ना? एक भाई को लाके कुछ कॉफी दे दिया, कौन कोई भी दे दिया, चाहे पापा दे दिए, मम्मी दे दिया, रिश्तेदार दे दिए, या कोई भी आस पास के लोग भी देते हैं, एक को दे दिए एक को नहीं दिए, तो क्या करते हो आपस में? झगड़ा करते हैं ना? चलिए तो झगड़ा करते तो जीते जाते हार गए तो अपने थप्पड़ पर खा के तैयार, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपको कोई मारा, एक बार मारा, दो बार मारा, तीसरा बार मारा, चौथा बार क्या करते हो? उल्टा मारते हो ना? उल्टा मारता है ना तुमने? वही स्थिति था जो ब्रिटिश ने हमारे पूर्वजों को सताया, बहुत सताया, सताते सताते फिर क्या हुआ, हमारे जितने भी लोग थे सब तैयार हुए, तैयार होके बोला कि हम भी लड़ेंगे, अल्लाह करे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, बहुत सारे का नाम सुनेंगे, बहुत सारे का नाम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। ये भी सुनो, सब यहाँ ध्यान दो, तो इस तरह से सभी लोग झगड़ा किए ना बाबू, तो क्या हमारा जो हमारे पूर्वज थे वो क्या हो गए, जीत गए, क्या हो गए, जीत गए, कौन जीते? हाँ हम लोग जो भारत के लोग थे ना वो जीत गए, ब्रिटिश लोग क्या हो गए, हार गए। फिर जब हार गए तो वो जो सत्ता चला रहे थे, जो सत्ता चला रहे थे वो सत्ता तो खत्म, तो वो चले जाएंगे ना अपने वापस घर, तो वापस भी जा रहे थे, तो आप सोचे कि वो तो चला गया, अब हमारे आसपास के लोगों को भी तो चलाना पड़ेगा, तो चलाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, कानून व्यवस्था की जरूरत होती है बाबू, तो कानून व्यवस्था की जब जरूरत पड़े तो सब लोग मिले, सुनो सब लोग एक जगह पर बैठे और बोले ना कि सुनो अब तो ब्रिटिश भी चले गए, अब हम लोग की सत्ता आई है, है ना, सब लोग मिलकर हम लोग देश को चलाएंगे, तो सब लोग देश को चलाएंगे, तो सब लोग आपस में विचार विमर्श करके एक संविधान बनाया गया, अब बहुत लंबा टाइम लग गया, लगभग 3 साल में वो संविधान बना, 3 साल में, ठीक है, 2 साल तो उतना दिन लग गया, समझ गए, तो संविधान तो बन गया, समझ रहे हो, संविधान बन गया, संविधान बनने के बाद क्या होता है, देश में लागू करना होता है, समझ रहे हैं, सब सुन रहे हैं, क्या ध्यान आपकी, तो हमारा संविधान लागू जब हुआ ना बाबू, वो दिन था आदि का दिन था, कौन सा दिन था, जब संविधान लागू हुआ था वो आज का दिन, जैसे आप लोग बैठ के बनाते हैं, बनाते हैं ना, वो वाक्य में आप लोग क्या क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, जोरदार पार्टी करते हैं, सब केक काटते हैं, मिठाई खाते हैं, गिफ्ट मिलता है ना, वही है ये भी है ना, तो हमारा भारत जब संविधान लागू है ना उसी का हर साल ये दिन आती है, ठीक है, तो हमारा संविधान आज के दिन लागू हो गए पूरे देश में, समझ रहे, तो उसी तरह से जो हम लोगों का पार्टी कैसा होता है, राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं, फहराते हैं ना, आपस में मिठाइयां बांटते हैं, खेल कूद करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो इस तरह से हम लोग मनाते हैं, समझ गया सब, तो समझ गया, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, खुशी का दिन है आज, है ना, खाएंगे पिएंगे और उछलेंगे कूदेंगे, ठीक है, समझ गए, तो अब चलिए यहाँ, अब क्या है ना, अब मेरी बात खत्म करते हैं, ठीक है, अब एक है रामविलास भैया, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कहेंगे, ठीक है, चलिए उनकी बात को सब लोग सुनेंगे, ठीक है।